हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पीजीटी हिंदी से फॉर्म भरने के लिए कौन से बच्चे वैलिड होते हैं, इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, तो देखिए यहाँ पर जो है पीजीटी हिंदी से देने के लिए जो है कुछ कंडीशन है। जैसे कि यहाँ पर जो है हिंदी से आपका परास्नातक होना चाहिए, यानी कि एमए में जो है आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ जो है कुछ और भी कंडीशन है जो कि आपको पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एमए जो है हिंदी से कर लिया है तो आप जो है पीजीटी हिंदी से देने के लिए योग्य हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि बीएससी किए रहते हैं ग्रेजुएशन में, और आगे चल करके वो जो है एमए हिंदी से कर लेते हैं और पूछते हैं कि क्या हम हिंदी से जो है पीजीटी दे सकते हैं, तो आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर शर्त ये है कि आपका इंटर या फिर जो है आपका बीए में संस्कृत होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपने इंटर में संस्कृत पढ़ा हो, या फिर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपका ग्रेजुएशन में जो है संस्कृत हो तो, ठीक। यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट में अगर आपने जो है एकल विषय संस्कृत से भी किया हुआ है, ठीक है, यानी कि एकल विषय से अगर आपने किया हुआ है इंटरमीडिएट संस्कृत से, तो भी जो है आप वैलिड होते हैं। या फिर अगर आपने संपूर्ण विषय के साथ संस्कृत पढ़ा है तो भी आप वैलिड होते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बीए में जो है आपका संस्कृत है, आपका हिंदी नहीं है, हिंदी का कहीं नामो निशान नहीं है, ठीक है, तो भी जो है आप वैलिड हो जाते हैं। आपका संस्कृत है तो जो है काम चल जाएगा। उसके बाद एक और कंडीशन है, अगर आपके पास जो है इसमें से कोई भी नहीं है, तो अगर आपने डबल एमए किया हुआ है, एक बार हिंदी से और एक बार संस्कृत से, तो भी जो है आप वैलिड हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि डबल एमए करते हैं, तो अगर आपने एक बार हिंदी से कर लिया है, ठीक है, और एक बार जो है आपने संस्कृत से कर लिया है, तो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि आप जो है अगर ऐसे जो है कैंडिडेट हैं तो आप जो है बिल्कुल पीजीटी हिंदी के लिए जो है एलिजिबल होते हैं। एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि केवल जो है अगर ये कंडीशन आप जो है पूरी करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपका एमए जो है हिंदी भी होना चाहिए, यानी कि एमए तो हिंदी से होना चाहिए, इसके पीछे की जो कंडीशन है इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, तो इसमें से कोई भी अगर आपके पास है तो आप जो है एलिजिबल होते हैं। अगर आपका जो है बीए में संस्कृत नहीं है, ठीक है, इंटर में भी नहीं है, आपका डबल एमए भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है आप बीए जो है अगर आप चाहें तो एकल विषय से जो है बीए अपना कर सकते हैं, ठीक है, संस्कृत से, ठीक है। यहाँ पर जो है अगर आप ये करते हैं तो 2 साल में जो है आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो बीए जो है आप एकल विषय संस्कृत से कर लें, ठीक, तो भी जो है आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं पीजीटी हिंदी के लिए, ठीक है। या फिर अगर आप इंटर करना चाहते हैं एकल विषय से तो ये भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको जो है टीजीटी के बारे में जानना है, टीजीटी हिंदी के लिए क्या कॉम्बिनेशन होता है, टीजीटी संस्कृत से जो है कैसे दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो क्या सोल्यूशन होगा, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।